हाय गाइस, माय नेम इज चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम को किस तरह से ऑर्गेनाइज करें और उसे कैसे मैनेज करें। हम आईटी स्ट्रेटेजी प्लानिंग के बारे में पढ़ना स्टार्ट कर दिया था और हमने जाना था कि जहाँ स्ट्रेटेजी वर्ड आ जाता है, स्ट्रेटेजिक वर्ड आ जाता है, वहाँ टॉप मैनेजमेंट आ जाता है, स्ट्रेटेजिक प्लान टॉप मैनेजमेंट। फिर हमने एक ब्रीफ ओवरव्यू लेने की कोशिश की थी आईटी स्ट्रेटेजी प्लानिंग की और हमने कहा था कि आईटी स्ट्रेटेजी प्लान्स को हमने क्लासिफाई किया था। सबसे पहले उसे बोला था ऑर्गेनाइजेशन प्लान, हमारी स्टडी में क्लासिफिकेशन दिया हुआ है ऑर्गेनाइजेशन प्लान, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान और इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटी प्लान। और हमने कहा था कि हमारी स्टडी में ये गलत दिया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन प्लान सबसे ऊपर होता है, उसके नीचे इंफॉर्मेशन सिस्टम स्ट्रेटेजिक प्लान होगा और स्ट्रेटेजिक प्लान के दो पार्ट्स होंगे बेसिकली, रिक्वायरमेंट प्लान और एप्लीकेशन फैसिलिटी प्लान। हमने ऑर्गेनाइजेशन प्लान के बारे में पढ़ा था और जाना था कि वो सबसे ऊपर वाला प्लान है और उसके बाद रिक्वायरमेंट प्लान आती है जिसमें रिक्वायरमेंट की प्लानिंग, सॉरी स्ट्रेटेजिक प्लान आता है। ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन का प्लान आता है, यानी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान या ऑर्गेनाइजेशन का प्लान आता है, उसके नीचे इंफॉर्मेशन सिस्टम का स्ट्रेटेजिक प्लान आता है क्योंकि उसमें भी स्ट्रेटेजिक वर्ड है इसलिए वहाँ पर टॉप मैनेजमेंट होगा, इन्वॉल्व होगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट प्लान के बारे में हमने पढ़ा था, बच गया था इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन एंड फैसिलिटीज प्लान, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे, यानी इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन और फैसिलिटीज प्लान के बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट प्लान में हमने इंफॉर्मेशन आर्किटेक्चर बनाया था और इन्फॉर्मेशन आर्किटेक्चर जो बना और उसके साथ जो एसोसिएटेड प्रायोरिटीज़ थी, उन प्रायोरिटीज़ की हेल्प से हम एक इन्फॉर्मेशन सिस्टम का एप्लीकेशन और फैसिलिटी प्लान डेवलप करेंगे। तो हमारी स्टडी कहती है कि ये प्लान कुछ चीज़ इंक्लूड करना चाहिए, क्या इंक्लूड करना चाहिए। सबसे पहला हमारी स्टडी बोलती है स्पेसिफिक्स एप्लीकेशंस कौन से डेवलप करने हैं, ये हमें इस प्लान में ये होना चाहिए। और टाइम शेड्यूल क्या है, अगर कोई नया सिस्टम डेवलप करना चाहते हैं, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, तो उसका टाइम लिमिट क्या है। दूसरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक्विजिशन डेवलपमेंट शेड्यूल, यानी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर आप एक्वायर कर रहे हो तो उसका शेड्यूल क्या होगा। फैसिलिटी कौन कौन सी आपको ज़रूरत है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से चेंज लाने की ज़रूरत है, मतलब अगर आप आईटी डालोगे ऑर्गेनाइजेशन में, आईटी का प्लान डालोगे, एक स्ट्रेटेजिक प्लान डालोगे, तो ऐसा होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में भी चेंजेस की ज़रूरत होगी क्योंकि वो क्या करेगा, बेसिकली आईटी क्या करेगा, आईटी क्या करेगा, आदमी की रिक्वायरमेंट कम कर देगा या प्रोडक्टिविटी बढ़ा देगा। प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए वो लोअर एंड में आदमी कम रखेगा और हायर एंड में ज़्यादा रखेगा, यानी कि अगर मान लिया सपोज जगह जगह आपके अकाउंटेंट्स लगे हुए हैं, अगर एक मैनुअल सिस्टम है, ईआरपी लग गई तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी और आउटपुट सीनियर मैनेजमेंट को अब उनकी डेस्क में दिखाई देगा। तो सीनियर मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल है लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज प्लान को डेवलप करने के लिए और इम्प्लीमेंट करने के लिए, और वो कैसे होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस और गोल्स के अनुसार होना चाहिए। तो सिस्टम एप्लीकेशन और फैसिलिटी, जो इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन और फैसिलिटी प्लान जो हम डेवलप कर रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के अनुसार होने चाहिए और उसी गोल्स के अनुसार हम इस प्लान को डेवलप करेंगे। और जब इस प्लान को डेवलप करेंगे तो हम ये देखेंगे कौन सी एप्लीकेशन डेवलप करनी है और क्या एसोसिएटेड टाइम होगा, और फिर हम देखेंगे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कौन से एक्वायर करने हैं, फैसिलिटी कौन सी एक्वायर करनी है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज है तो वो कौन से चेंजेस हमें करने हैं। तो सीनियर मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना पड़ेगा कि आईटी को इश्यूज और अपॉर्चुनिटीज़ दोनों का पता हो और ये इश्यूज और अपॉर्चुनिटीज़ आईटी के जो इंटरप्राइज के जो लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्लान है उसमें रिफ्लेक्ट हो रही हो। कहने का मतलब जो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी ये है कि हमारा सिस्टम ज़्यादा बने पावरफुल हो जाएगा, हमारा सिस्टम ज़्यादा रिपोर्ट्स दे देगा, हमारे पास कम आदमी लगेंगे, हमारे डेटा में कम गलतियाँ होंगी, और ये सारी चीज़ जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम एप्लीकेशन और फैसिलिटीज प्लान में होनी चाहिए। मतलब इंटरप्राइज का अगर कोई शॉर्ट टर्म और ये लॉन्ग टर्म प्लान होगा उसमें ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। इसके बाद हमारी स्टडी बोलती है आईटी ऑर्गेनाइजेशन रिलेशनशिप्स के बारे में, हमारी स्टडी बोलती है।
तो आईटी ऑर्गेनाइजेशन और रिलेशनशिप्स में हमारी स्टडी कहती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर होगा और ये ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर हायरकी, अथॉरिटी, रूल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करेगा। जब आप एक स्ट्रक्चर बनाएंगे ऑर्गेनाइजेशन का तो ऑटोमेटिकली एक हायरकी क्रिएट करेंगे, मतलब जो भी आपका प्लान होगा, जो बिजनेस प्लान होगा, जो आपका क्या कहते हैं कंपनी का स्ट्रेटेजिक प्लान होगा या आईटी का स्ट्रेटेजिक प्लान होगा, वो एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएगा। आईटी का प्लान होगा तो आईटी के रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएगा, मेन प्लान होगा तो वो कंपनी के रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएगा। तो उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक हायरार्की बनाएगा कि भाई ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, कू है या सीईओ है, इसके नीचे फला फला लोग हैं, तो उनकी अथॉरिटी, रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर फ्रीज हो जाएंगे। तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करता है किस तरह के जॉब किस टाइप के एम्प्लॉइज को करना है और उनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगा। मतलब ऑर्गेनाइजेशन, जैसे फॉर एग्जांपल कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि आपका दो दो तीन तीन एचआर होते हैं, आउटबाउंड एचआर, इनबाउंड एचआर, और कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कई कई जगह पर एचआर होते हैं, लोकेशनल वाइज एचआर होते हैं। कई जगह पर क्या होता है कि अगर सेल्स टीम देखोगे तो सेल्स टीम ही सारा काम कर रही होती है, कई जगह पर सेल्स टीम सेग्रीगेटेड होती है, सेल्स की अलग टीम होती है, कलेक्शन की अलग टीम होती है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करता है कि किस तरह का जॉब हर एम्प्लॉय करेगा और उसको जॉब डिस्क्रिप्शन देता है। अगर मान लिया सपोज आपकी सेल्स टीम है, सेल्स टीम सारा काम करती है तो उसका जॉब डिस्क्रिप्शन वो हो जाएगा, लेकिन सेल्स टीम में आपने बंदे बाइट कर रखे, मार्केटिंग के बंदे अलग हैं, मार्केटिंग करते हैं वो, सेल्स के अलग बंदे। उसके अलावा अगर मान लिया सपोज आपका डिलीवरी के बंदे अलग हैं, कलेक्शन के बंदे अलग हैं, कलेक्शन वाले के बंदे पैसा कलेक्ट करते हैं, तो उनका जॉब डिस्क्रिप्शन अलग हो जाएगा, अलग अलग टाइप के एम्प्लॉयज का अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि आप ऑथराइजेशन और एक्सेस जो है इंफॉर्मेशन सिस्टम को हर एम्प्लॉय को उसी बेसिस पर प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हुआ, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में एक हायरकी बनी, अथॉरिटी बनी, रूल्स बनी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनी और एक रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बन गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनते ही वो एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ने ये कहा कि ये जॉब होगा और ये एम्प्लॉय टाइप होंगे, ये जॉब उनका डिस्क्रिप्शन होगा। तो जब ये चीज़ डिटरमाइन होगी तो क्या किसको क्या ऑथराइजेशन देना है, किसको क्या एक्सेस देना है, ये सारी चीज़ भी डिटरमाइन हो जाएंगी। तो मैनेजमेंट को इससे क्या होगा, हेल्प मिलेगी, मैनेजमेंट इंश्योर करेगा और उससे उसको हेल्प मिलेगी, एक क्रिस्टल क्लैरिटी आ जाएगी कि भाई किस डेजिग्नेशन की क्या क्या रूल्स हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबसे बड़ी बात कि क्या रूल्स उस और क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन रिलेशन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर आईटी रिलेटेड चीज़ है तो उसमें अन आईटी वाले बंदे तो को तो पता ही होगा कि इंफॉर्मेशन सिस्टम रिलेटेड उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉन आईटी वालों को भी पता होगा क्योंकि नॉन आईटी वाले भी इन्वॉल्व होंगे। ईआरपी अगर सिस्टम होगा तो उसमें क्या है कि हो सकता है एक प्रोसेस का ओनर जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट हो, वो उसमें डेटा डाल रहा हो, तो सारे पर्सनल के पास सफिशिएंट अथॉरिटी होनी चाहिए ताकि वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को असाइन करें। मतलब अगर मान लिया सपोज आपने एक स्ट्रक्चर बना दिया और एक रोल्स उनको दे दिए लेकिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सफिशिएंट अथॉरिटी देनी पड़ेगी ताकि वो रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा सकें। और जब भी आप रूल्स देंगे किसी को तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होना बहुत जरूरी है, किसी भी इंडिविजुअल स्टाफ को सारे ट्रांजैक्शन या इवेंट के सारे एस्पेक्ट्स का कंट्रोल देना सही नहीं है। एक प्रोफेशनल बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी हो जाती है, और सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी काउंटर चेक्स में हेल्प करती है और हर डिपार्टमेंट की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है इंटरनल कंट्रोल और सिक्योरिटी के प्रति, और ये हमें उसे बताना पड़ता है और उसको ट्रेन करना पड़ता है। तो मैनेजमेंट को क्या है कि एक ट्रेनिंग सेशन लेना पड़ेगा और फिर उसके बाद क्या होगा कि उनको लॉजिकल और फिजिकल सिक्योरिटी के लिए साइन ऑफ करना पड़ेगा, एक कॉन्फिडेंशियल या आईटी सिक्योरिटी साइन ऑफ्स करने पड़ेंगे ताकि उनको समझ में आ सके कि भाई लॉजिकल और फिजिकल सिक्योरिटी हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
तो क्या होता है कि कई ऑर्गेनाइजेशन में अगर सिक्योरिटी के टर्म्स में देखें, अगर हम आईटी लगा रहे हैं तो हमें सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। तो सिक्योरिटी के टर्म्स में देखें तो क्या होता है कि सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि इंटरप्राइज लेवल वाइड लेवल पर वो सिक्योरिटी इश्यूज़ को हैंडल करे और लोगों को उसके लिए अवेयर बनाए। लेकिन कई जगह पर एडिशनल सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या बोलता है, क्या करता है कि सिस्टम स्पेसिफिक लेवल पर भी सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज या सिक्योरिटी रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है। तो कहने का मतलब ये, अगर इसे समराइज करें तो ये है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनेगा, उसमें हायरकी, अथॉरिटी, रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये डिटरमाइन करेगा किस तरह का जॉब करना है हर एम्प्लॉई को और उसका जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएगा। उसके बाद क्या है कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन आ जाएगा तो ये पता चल जाएगा किसको क्या ऑथराइजेशन है और किसको क्या एक्सेस होगा। क्योंकि अगर आपको ऑथराइजेशन या अथॉरिटी, सफिशिएंट अथॉरिटी नहीं दोगे तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक साथ जाती है। तो अथॉरिटी भी दोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोगे, तो सबके रूल्स डिफाइन हो जाएंगे। लेकिन हर एक किसी भी आदमी को इतने सारी किसी भी इवेंट और ट्रांजेक्शन का पूरा अथॉरिटी नहीं देनी चाहिए, उसके रूल्स जो हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। और सबको ये अवेयर करना पड़ेगा कि भाई सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट को फॉर्मली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेटमेंट में साइन कराना पड़ेगा फिजिकल और लॉजिकल सिक्योरिटी में। उसके बाद क्या है कि उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि कई अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी मैनेजमेंट होता है। वो सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करता है, सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। परंतु कई ऑर्गेनाइजेशन में टेक्टिकल लेवल पर भी सिक्योरिटी आपको सिस्टम स्पेसिफिक लेवल पर भी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ती है। तो इस तरह का आईटी का ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। वो उसका सबसे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से किस तरीके से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्लो होती है, किस तरह से रोल्स फ्लो होते हैं, किस तरह से जॉब डिस्क्रिप्शन फ्लो होते हैं, किस तरह से सिक्योरिटी का ध्यान रखा जाता है, ये हमारी स्टडी में बताने की कोशिश की गई। तो इसका मतलब ये कि कहाँ पर अटैक करो, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर अटैक करो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दे दो। लोग ऑर्गेनाइजेशन पर जाते ही, ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मांगते हैं। ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्यों मांगते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर इसलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें ये पता चल जाए कि भाई बाकी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाए। मतलब कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी जा रही, क्या कैसे अथॉरिटी जा रही, कैसे सिक्योरिटी होगी, क्या किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, एक अच्छे ऑडिटर को देखते ही समझ में आ जाता है। कई जगह ऑर्गेनाइजेशन में आईटी ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स ही नहीं होता, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ही अवेलेबल नहीं होता है। तो इसका मतलब वहाँ का एचआर उतना स्ट्रांग नहीं है। कई जगह पर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बहुत मजबूत होता है, क्योंकि जब ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर मैट्रिक्स होगा फिर उसके बाद उस ऑर्गेनाइजेशन में बाकी चीज़ें होंगी, एचआर रिलेटेड बाकी चीज़ें होंगी, एम्प्लॉई के बारे में और चीज़ें होंगी। लेकिन एम्प्लॉई स्ट्रक्चर ही नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। इसके बाद हमारी स्टडी ये कहती है कि मैनेजमेंट को एक फॉर्मली एक डेटा ओनर और डेटा कस्टोडियन बनाने पड़ेंगे। तो ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ये दो वर्ड्स बड़े कन्फ्यूज़ करेंगे आपको, डेटा ओनर और डेटा कस्टोडियन। डेटा का ओनर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होगा, डेटा का कस्टोडियन आईटी होगा। एक डेटा का कस्टोडियन होगा और एक डेटा का ओनर होगा। डेटा के ओनर के पास राइट्स होगा कि डेटा को वो चेंज कर सके। यानी कि मालूम पड़ा फाइनेंस का डेटा है तो फाइनेंस ओनर होगा, लेकिन उस डेटा का कस्टोडियन आईटी डिपार्टमेंट होगा। यानी फाइनली अगर आपके मेल से मालूम पड़ा आप किसी एक डिपार्टमेंट के हेड हैं, आपके नीचे एक बंदा छोड़ के चले जाता है, तो आपकी अथॉरिटी के बिना आईटी डिपार्टमेंट उसको किसी को नहीं देगा। इसका मतलब ये है, सिंपल चीज़ ही है, जैसे बैंक को समझो, आपका हीरा है, लॉकर में रखा हुआ है, तो बैंक आपकी अथॉरिटी के बिना वो हीरा किसी को नहीं देगा, वो लॉकर किसी और को नहीं देगा। बैंक कस्टोडियन है, हीरा बैंक के पास है, लेकिन हीरा है आपका, या आपके अकाउंट में पैसे हैं बैंक के पास हैं। तो जब आप चेक देते हो तो आप एक अथॉरिटी देते हो बैंक को, कस्टोडियन है बैंक आपके पैसे का, आपने बैंक में पैसे रखे हैं, कस्टोडियन बन गया है बैंक आपका, सिंपल। तो बैंक आपका कस्टोडियन बन गया है और बैंक फिर उसके बाद क्या करता है, लेकिन उसका ओनर आप हो। तो ऐसा है, फाइनेंस डेटा का ओनर फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा। और फाइनेंस डेटा अगर मान ले, सपोज कई बार क्या होता है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट
जो है डेटर्स की लिस्ट निकाल रहा होता है, और डेटर्स की लिस्ट निकालने के बाद क्या होता है कि एक बंदा छोड़ के चले जाता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट के पास बोलता है कि भाई क्या कहते हैं, हमें इसके बारे में पता नहीं। कई बार ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स डिपार्टमेंट काफ़ी वीक होता है, फाइनेंस काफ़ी स्ट्रांग होता है, तो फाइनेंस कई बार इनिशिएटिव लेता है और वो कहता है कि मेरे को सेल्स डिपार्टमेंट की आप वो दीजिए, मेल का एक्सेस दीजिए कि क्या मेल हुए, लास्ट मेल्स क्या हुए, मैं खुद देखना चाहता हूँ और खुद फॉलो अप करना चाहता हूँ। कई बार होता है फाइनेंस डिपार्टमेंट के छोटे ऑर्गेनाइजेशन में एक बंदा रख लेता है, तो उसमें क्या है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को सेल्स डिपार्टमेंट के हेड से परमिशन लेना पड़ता है, मेल परमिशन लेना पड़ता है, वो मेल परमिशन जो है आईटी डिपार्टमेंट को देनी पड़ती है। तो आईटी डिपार्टमेंट को जब वो मेल परमिशन दी, उसके बाद वो उसके मेल बॉक्स को का एक्सेस मिलता है, क्योंकि उस सेल्स की टीम के मेल बॉक्स का ओनर कस्टोडियन सेल्स हेड है, फाइनेंस डिपार्टमेंट नहीं है। फाइनेंस डिपार्टमेंट का उससे कोई मतलब नहीं है, उसके मेल बॉक्स है। अगर वो फाइनेंस जो सेल्स का हेड है वो उसको ले लेगा, अगर सेल्स का हेड अगर मान लिया सपोज उसको उसको ले लेगा, अगर मान लिया सेल्स का हेड की परमिशन लेने के बाद ही फाइनेंस वाले को उसके मेल बॉक्स अवेलेबल होगा, या इसी तरीके से सेल्स का डेटा अवेलेबल होगा। तो यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में दो होंगे, एक ओनर होगा और कस्टोडियन होगा। ओनर कौन होगा, ये कौन डिटरमाइन करेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिटरमाइन करेगा। तो मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएगा और फॉर्मली अपॉइंट करेगा ओनर और कस्टोडियन। और ओनर और कस्टोडियंस कैसे अपॉइंट होंगे, डेटा ओनर और डेटा कस्टोडियंस कैसे अपॉइंट होंगे, एक बार आपने स्ट्रक्चर बना दिया तो उसके बाद आप ओनर्स और कस्टोडियन क्रिएट कर सकते हैं, उनके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली अनएम्बिगुअसली डिफाइन कर सकते हैं। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जहाँ पर आपने एम्बिगुटी आ गई तो जो जो काम सबको करना है वो किसी को नहीं करना है, जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ऑर्गेनाइजेशन में होता है, और उसी पर पॉलिटिक्स और ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। तो मैनेजमेंट को ये इंश्योर करना है कि सारी इंफॉर्मेशन एसेट्स डेटा हो सिस्टम हो उसका एक अपॉइंटेड ओनर हो, जो जिसके पास डिसीजन हो उसके क्लासिफिकेशन का, एक्सेस राइट्स का। सिस्टम ओनर टिपिकली डेलीगेट करता है कस्टोडियन को उस सिस्टम को रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो वो आईटी डिपार्टमेंट होगा, पर्टिकुलरली सिक्योरिटी की अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को होगी। कहने का मतलब क्या है, अगर आप स्टडी में पकड़ोगे तो कन्फ्यूजन हो जाओगे, सिंपल सी बात ही है, वो प्रायोरिटाइज कर देगा। अगर फाइनेंस कार्ड है वो बोलेगा कि वाउचर की एंट्री इसको दो, वाउचर का फला एक्सेस इसको दो, ये चीज़ इसको दो। तो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर उसी तरीके से एक्सेस राइट्स वेरी करेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि आप मेल भेजते हो आईटी डिपार्टमेंट को और वो उसके राइट्स कॉन्फिगर हो जाते हैं, और भेजता कौन है, आपका मैनेजर या आपका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भेजता है। उसका क्यों भेजता है, उसका एक सिंपल सा रीज़न ये है कि उस डिपार्टमेंट का डेटा का ओनर फाइनेंस है या एचआर है या जो भी डिपार्टमेंट है, लेकिन जो उस कस्टोडियन आईटी डिपार्टमेंट है या सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर है। तो सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट कर दी जाती है, लेकिन डेलीगेट कौन करता है, डेटा ओनर करता है। डेटा ओनर उसको बताता है कि भाई ये लेवल ऑफ सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब यहाँ पर सेग्रीगेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइम अकाउंटेबिलिटी जो डेटा की है वो ओनर की होती है, क्योंकि एक बार उसने एक दूसरे को से मतलब जो प्राइम उसको क्या क्या करना है, जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो ओनर के होते हैं, ठीक है, उसको देखभाल वो करेगा, क्या कहते हैं, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर करेगा। यानी अगर माने हीरा आपने बैंक में रख दिया तो वो देखभाल उसे बैंक करेगा, पैसा आपने बैंक में रख दिया तो देखभाल बैंक करेगा, लेकिन आपने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे दिए कि हमारा मेरा अकाउंट इतने रुपीज़ हर महीने डेबिट होगा या कुछ दे दिया है, तो अगर वहाँ पर कोई लेक्सिटी हुई, कहीं कोई प्रॉब्लम हुई, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो सीनियर मैनेजमेंट एडिक्वेट सुपरवाइजरी प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करेगा आईटी मतलब आईटी फंक्शंस में, जिससे कि रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रॉपरली एक्साइज होती हैं, जिससे कि मतलब आईटी डिपार्टमेंट जो है आईटी फंक्शंस में उन पर एक सुपरवाइजरी रूल, एप्रोप्रिएट से कोई सुपरवाइजरी रूल क्रिएट करेगा, ताकि ये स्ट्रक्चर मेंटेन रखा जा सके।
तो कहने का मतलब ये है कि सबसे कहाँ से चलेगा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से चलेगा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से सारी चीज़ें फिक्स होनी चली वो लग जाएंगी, हायर की अथॉरिटी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी सब होती चली जाएगी। उसके बाद रोल्स में सेग्रीगेशन होना बहुत ज़रूरी है, कोई एक इंडिविजुअल स्टाफ को कंट्रोल नहीं होना चाहिए, और जो भी रोल्स है उसमें सफिशेंट अथॉरिटी होनी चाहिए, एक मिनिमम अथॉरिटी होनी चाहिए, और अवेलेबिलिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी का बैलेंस होना चाहिए। कहने का मतलब ये है तो हर एक आदमी को सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अवेयर भी होना चाहिए। कई ऑर्गेनाइजेशन में सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वही स्ट्रेटेजिक लेवल पर सिक्योरिटी में मेंटेन करते हैं, लेकिन कई जगह पर क्या टैक्टिकल लेवल पर भी की जाती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट कर दिया जाता है। और मैनेजमेंट क्या करेगा, इसी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के से क्या है डेटा ओनर्स और डेटा कस्टोडियंस क्रिएट करेगा। डेटा ओनर डेटा का ओनर है, डेटा कस्टोडियन आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है बेसिकली। तो ये आईटी ऑर्गेनाइजेशन एंड रिलेशनशिप में हमारी स्टडी में बताया गया। उन्होंने क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करने की कोशिश की। अगर मान लिया सपोज किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप जाओगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कट पता होनी चाहिए। अगर आपको पता नहीं है तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, आपको कहोगे ये आपको ये पता नहीं होगा ये पर्टिकुलर राइट्स किसको होंगे। इसके बाद हमारी स्टडी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी के बारे में कहती है, ड्यूटी को सेग्रीगेट किस तरह से किया जाएगा, कैसे किया जाएगा। तो सबसे पहले वो कहती है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी क्या है। सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी ये है कि एक वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, इस तरह से वर्क का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, किसी के पास ज़्यादा वर्क और किसी के पास कम वर्क नहीं होना चाहिए, उसकी कैपेबिलिटी के अनुसार होना चाहिए। और दूसरी बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी में, इंडिविजुअल एम्प्लॉय को सारी चीज़ नहीं मिलनी चाहिए, यानी उसको एंट्री की फैसिलिटी और मॉनिटरिंग की फैसिलिटी दोनों नहीं होनी चाहिए, मतलब सुपरविजन की फैसिलिटी और अपने काम में गलती कोई आदमी नहीं निकाल पाता है। तो अगर मान लिया कोई एंट्री कर रहा है उसके एरर्स और ओमिशंस या मिसयूज़ करने के लिए एक सुपरवाइज़र होना चाहिए, यह सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। सुपरवाइज़र को एंट्री की पावर नहीं होनी चाहिए, जिसको एंट्री की पावर है उसको सुपरवाइजरी पावर नहीं होनी चाहिए, ये दोनों सेग्रीगेट होनी चाहिए। इससे क्या है, फ्रॉड बचता है, मिस्टेक्स बचती हैं, एरर बचते हैं, ओमिशंस बचते हैं। उसके बाद मैनेजमेंट को ये देखना चाहिए जिसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वही तो वही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उससे ज़्यादा तो नहीं कर रहा है, रेस्पेक्टिव जॉब्स या पोजीशन से ज़्यादा ड्यूटी उसको नहीं करना चाहिए। उसके अलावा उन्हें इंश्योर करना चाहिए कि जो पोजीशन डिस्क्रिप्शन है आईटी का या नॉन आईटी स्टाफ का, मतलब क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी या पोजीशन डिस्क्रिप्शन जो भी आप बोलो वो जो है वो एस्टेब्लिश होना चाहिए और अपडेटेड होना चाहिए, रेगुलरली अपडेट होना चाहिए, क्योंकि आपने ऑर्गेनाइजेशन को अपडेट किया, टेक्नोलॉजी अपडेट की, तो हो सकता है आपको चार आदमी की ज़रूरत कम हो जाए। तो वहाँ पर क्या है उनकी 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 जगह कम हो, उनकी की ज़रूरत नहीं रहेगी क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने एक पर्टिकुलर सिस्टम क्रिएट कर दिया। तो वो उनको जो पोजीशन डिस्क्रिप्शन है वो रेगुलरली अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। तो पोजीशन डिस्क्रिप्शन क्लियरली डिलिनेट होनी चाहिए, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलिनेट होनी चाहिए, और स्किल की डेफिनेशन, एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए कि मतलब रिलेवेंट। ये एचआर जो है सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएगा, उसके बाद क्या है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी करेगा, सेग्रीगेशन ड्यूटी करने के बाद हर पोजीशन डिस्क्रिप्शन डिलिनेट करेगा, अथॉरिटी डिलिनेट करेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलिनेट करेगा, और वहाँ पर एचआर का रूल आ जाता है कि वो हर रिलेवेंट पोजीशन के लिए स्किल और एक्सपीरियंस बोलेगा कि ये स्किल ये एक्सपीरियंस है। मतलब अगर मान लीजिए सपोज एक बंदा है तो उसको ये स्किल इस लेवल का स्किल होना चाहिए, इस लेवल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी कहां पर होनी चाहिए ये हमारी स्टडी बताती है। सबसे पहले इंफॉर्मेशन सिस्टम के यूज में होना चाहिए, कौन डेटा एंट्री कर रहा है, कौन सुपरवाइजरी कर रहा है, कौन ये कर रहा है, कौन किसको स्ट्रेटेजिक लेवल को केवल स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स जाएंगी, डेटा एंट्री वाला डेटा एंट्री करेगा, तो ये सेग्रीगेशन होना चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन होना चाहिए, कंप्यूटर ऑपरेशन हो रहा है तो वहाँ पर भी सेग्रीगेशन होना चाहिए। नेटवर्क मैनेजमेंट है वहाँ पर भी सेग्रीगेशन होना चाहिए। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, सिस्टम डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, चेंज मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए, सिक्योरिटी ऑडिट बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो यूज़र है वो अलग होना चाहिए डेटा एंट्री वाला, और डेटा जो उस रिपोर्ट को यूज़ कर रहा है, रिपोर्ट का कंज्यूमर जो रिपोर्ट को यूज़ कर रहा है और डेटा एंट्री कर रहा है, जो सुपरविजन कर रहा है, ये अलग अलग व्यक्ति होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेशन अलग तरीके से होना चाहिए। नेटवर्क मैनेजमेंट, सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट और मेंटेनेंस, ये सब अलग होनी चाहिए। चेंज मैनेजमेंट भी अलग होना चाहिए,
मतलब चेंज मैनेजमेंट नेटवर्क मैनेजमेंट से अलग होना चाहिए। जो नेटवर्क को मैनेज कर रहा है वो चेंज मैनेजमेंट करे। कई छोटे ऑर्गेनाइजेशन में ये सारे काम हो सकता है, क्या कहते हैं, कुछ ही लोग कर रहे हो, कई जगह पर एक ही आदमी कर रहा हो। लेकिन जो बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर चीज़ें बड़ी हो जाती हैं, वहाँ पर ये डिफरेंट व्यक्ति करने चाहिए, मतलब चेंज मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, सिक्योरिटी ऑडिट, सब सिक्योरिटी ऑडिट है, सिक्योरिटी का ऑडिट है, तो ये इसके लिए अलग बंदा होना चाहिए। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर और सिक्योरिटी ऑडिट अलग होना चाहिए, चेंज मैनेजमेंट और सिक्योरिटी ऑडिट अलग होनी चाहिए। तो ये पर्टिकुलर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि सब सेग्रीगेशन होना चाहिए तो इनका कोऑर्डिनेशन भी होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है, ऑप्टिमल कोऑर्डिनेशन होना, कम्युनिकेशन होना, लाइजनिंग स्ट्रक्चर होना आईटी डिपार्टमेंट में, आईटी फंक्शंस में और बाकी इंटरेस्ट में और आउटसाइड आईटी फंक्शंस में, यूजर्स हैं, सप्लायर्स हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स हैं, रिस्क मैनेजर्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाती है कि आपने आईटी के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइंड आउट कर दिए और फिर एक कोऑर्डिनेटर रख दिया सबको कोऑर्डिनेशन करने के लिए। धीरे धीरे ये कोऑर्डिनेशन डिफिकल्ट हो जाता है और धीरे धीरे आईटी सिस्टम मोर एफिशिएंट हो जाते हैं कि वो कहते हैं कि उसके बीच में जो ये आदमी है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, ये कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे, इन आदमी को हटाओ, आईटी और बेटर सिस्टम ले आती है। और फिर उसके बाद फिर एक आदमी की और कमी हो जाती है, कॉस्ट एफिशिएंसी हो जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है और ये माना जाता है ये ऑनगोइंग प्रोसेस अगले 10 या 20 साल तक रहेगी जब तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ना आ जाए, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मोस्टली वो काम कर देगी जो ह्यूमन बीइंग करता है। तो कंप्यूटर्स रिप्लेस कर रहे हैं, कंप्यूटर्स रिप्लेस कर रहे हैं। अगर मान लीजिए सपोज आप ऑर्गेनाइजेशन बनाया, आपने बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर उसमें क्या है, बंदा रख लिया, तो क्या है कि आपने बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन बनाए, उसमें क्या है, डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन किया और फिर उसके कोऑर्डिनेशन के लिए बंदे रखे। अब कोऑर्डिनेशन सही तरीके से नहीं आया होगा, जो जो बंदे उन चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, तो कई बार क्या होगा, कोऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेशन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। अब परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के लिए परफेक्ट कोऑर्डिनेशन टूल्स आएंगे, आईटी अगले स्टेप में वो निकाल देगी, और परफेक्ट कोऑर्डिनेशन टूल से थोड़े आगे बढ़ेंगे तो दो तीन बंदे उसके बीच के गायब हो जाएंगे। जब दो तीन बंदे गायब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चेंज होगा। तो ये रिकरिंग प्रोसेस है और ये प्रोसेस चलती चली जा रही है। तो बेसिकली कहां से स्टार्ट हुई, सारी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से स्टार्ट हुई। और ये सब हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये है सब हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी बड़ी तेजी से चेंज हो रही है, 5 साल में एक जनरेशन चेंज हो जाती है। गॉर्डन मूर्स की मूर्स लॉ 1950 में मालूम पड़ा, जो एक कंप्यूटर एक डायोड होता था, डायोड बिजली के बल्ब की तरह होता था, आपके बिल्डिंग बड़ा कंप्यूटर होता था उसमें बिजली के बल्ब की तरह डायोड लगा था, जिस तरह से बिजली का बल्ब फ्यूज़ हो जाता था अचानक एक डायोड फ्यूज़ हो जाता है। आज की डेट में अच्छा कंप्यूटर आप खरीदो, i7 हाई एंड i7 खरीदो, लेटेस्ट वर्जन, उसमें एक जो एक इंच बाय एक इंच एरिया में आपके जो सीपीयू है उसमें 100 करोड़ हिंदुस्तान की पॉपुलेशन के बराबर ट्रांजिस्टर्स हैं। और ये कोशिश की जा रही है पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन यानी 750 करोड़ लोग के बराबर के ट्रांजिस्टर्स इतने एरिया में आ जाए। और वो स्पीड बढ़ाता है कंप्यूटर की, वो उसकी कॉस्ट उसी लेवल पर रखता है, उस लेवल पर आपको डबल बल्कि आधी कॉस्ट करके डबल पावर का कंप्यूटर आपको दे देता है। तो क्या है कि ये एक प्रोसेस है जो चल रही है और इसीलिए क्या कहते हैं हमारी स्टडी में आईटी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट दिया है और बार बार में उसमें ये बोला गया, स्ट्रेटेजिक प्लान के बारे में बोला गया और बार बार ये बोला गया, उस स्ट्रेटेजिक प्लान को आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि साल भर 1.5 साल में रिवाइज करना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम्स चेंज हो जाते हैं। आप आईटी का सिस्टम है, अगर आप ये सोच रहे हो कि 5 साल में आप डेप्रिशिएट कर दोगे हर एक आइटम को, एक पांचवे, तो एक चेन बन जाती है, 1/5 आइटम 1 साल में चेंज हो जाता है, तो 1/5 आइटम अगर 1 साल में चेंज कर रहे हो तो आईटी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना चाहिए। अगर आपका सही ऑर्गेनाइजेशन है तो हर 1/5 चीज़ें ऑब्सोलीट हो जानी चाहिए हर साल और उसी के हिसाब से एफिशिएंसी आ जानी चाहिए, उसी के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाना चाहिए। अगर वो एफिशिएंसी नहीं आ रही, अगर उस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो रहा है,
तो इसका मतलब प्रॉब्लम है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए और साथ में कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि वही आईटी का स्ट्रेटेजिक प्लान उसी के अनुसार बनेगा, तभी वो ऑर्गेनाइजेशन के प्लान के साथ मैच करेगा। ऑर्गेनाइजेशन का प्लान, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? कॉस्ट को रिड्यूस करना। आईटी का स्ट्रेटेजिक प्लान क्या है? उस बात को मानना कि कॉस्ट कैसे रिड्यूस हो, एफिशिएंसी कैसे बढ़े, रिस्पॉन्स टाइम कैसे बढ़े, हायर मैनेजमेंट को कैसे हेल्प हो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के लिए, इन्फॉर्मेशन कैसे, स्पीडी इन्फॉर्मेशन, नई नई रिपोर्ट्स, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स कैसे जाएँ हायर मैनेजमेंट के पास। थैंक्स।